Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today we will learn about word problem based on multiplication. There are 8 chocolates in a pack. How many chocolates in 2 pack? एक पैक में कितनी चॉकलेट्स है? एक चॉकलेट है. अगर दो पैक होता तो कितनी चॉकलेट्स होती? 8 + 8 = 16. 8 × 16. आपको पता है हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? हम मल्टीप्लाई इसीलिए करते हैं, अगर यहाँ ढेर सारे पैक होते तो क्या आप उसको बार बार 8 8 8 प्लस करते है? नहीं प्लस करते ना. आपको क्या करना होता तब? आप एक पैक में कितनी चॉकलेट्स हैं? 8 चॉकलेट्स हैं. और कितने पैक हैं? कितने बॉक्सेस हैं? उसको काउंट कर लेते फिर आप मल्टीप्लाई कर लेते तो आपको आंसर तब भी पता चल जाता. इसीलिए हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं. इस एग्जांपल से आप समझ ही गए होंगे. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. एग्जांपल 1. देयर आर 675 चॉकलेट्स इन ए बैग. How many chocolates are there in 8 such bags? एक बैग में कितनी चॉकलेट्स है? 675. अब आप बताइए 8 बैग्स अगर होंगे तो कितनी चॉकलेट्स होंगी? तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम सेंटेंस लिखेंगे. नंबर ऑफ चॉकलेट्स 675 एंड नंबर ऑफ बैग्स 8. Now let's do multiply. 5 8s are 40. 40 को 0. 4 carry on 10s place. Now 7 10 multiply by 8 56 10s. 56 10s + 4 10 60 10s. Write 0 under 10s column and 6 carry on 100 column. Now 6 8s are 48. 48 में हम 6 plus करेंगे. 49, 50, 51, 52, 53, 54. Now 54. Write 4 under 100 column and 5 under 1000 column. So the total number of chocolates are there in 8 such bags is 5400. Now let us take another example. One packet contains 600 candles. How many candles are there in 7 such packets? एक पैकेट में कितनी कैंडल्स है? 600 कैंडल्स है. अब आपको बताना है 7 पैकेट में कितनी कैंडल्स होंगी. तो आप क्या करेंगे? सोल्यूशन लिखेंगे विद स्टेटमेंट के साथ. सो नंबर ऑफ कैंडल्स इन अ पैकेट. एक पैकेट में कितनी कैंडल्स है? 600 है. और नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं? 7 है. So, हमको कैसे पता चलेगा? हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. 0 × 1 × 7. किसी भी नंबर में हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0. राइट 0 अंडर 1s कॉलम. नाउ 0 × 10 × 7. 0 7s are 0. राइट 0 अंडर 10s कॉलम. नाउ 600 × 7. 6 7s are 42. राइट 2 अंडर 100 कॉलम एंड 4 अंडर 1000 कॉलम. सो द टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स आर देयर इन 7 सच पैकेट्स इज 4200. नाउ इट इज प्रैक्टिस टाइम. दिस 2 क्वेश्चन यू राइट इन नोटबुक विद सॉल्यूशन. क्वेश्चन 1. थिंक अबाउट 8 पैकेट ऑफ पेंसिल. ईच पैकेट कंटेन 250 पेंसिल्स. हाउ मेनी पेंसिल्स डिड सी बाय. शिखा ने एक पैकेट ऑफ पेंसिल खरीदा. पेंसिल के 8 पैकेट खरीदा. अब बताइए अगर हर पैकेट में 250 पेंसिल्स हैं तो बताइए सारी पेंसिल्स कितनी होंगी? तो क्या करेंगे आप? पहले नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ईच पैकेट आप लिख देंगे 250 एंड नंबर ऑफ पैकेट्स 8 लिख देंगे. टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स डिड सी बाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. 1 बॉक्स कंटेन्स 90 ऑरेंजेस. हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन 8 सच बॉक्सेस. अगर एक बॉक्स में 90 ऑरेंज हैं, तो बताइए
8 बॉक्सेस में कितने ऑरेंज होंगे? तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन वन बॉक्स एड है नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस लिखने के बाद आप लिख मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर देयर इन एक सेट बॉक्सेस पता चल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। डू दीज टू क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। लर्न एंड राइट द टेबल ऑफ 8 ऑल्सो। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72, 8 10s are 80. Learn the table of 8 and write in your notebook. We will meet in next video with next content of multiplication. Till bye. Thank you.